जबलपुर से इंसानी संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां 3 बेटियां और 1 बेटा होने के बावजूद भी मां का अंतिम संस्कार लावारिस लाश की तरह किया गया। हुआ यूं कि करीब 2 माह पहले पूनम कौर नाम की महिला अपनी मां रुक्मणी कौर को साथ में लेकर होशंगाबाद आई थी। पिता एक्स आर्मी मैन थे, लिहाजा तबीयत बिगड़ने पर बेटी ने माँ को जबलपुर के आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। आर्मी हॉस्पिटल में जाँच में पता चला कि रुक्मणी को गैंग्रीन है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में ही संभव है। ऐसे में बेटी पूनम ने अपनी मां को जबलपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में इलाज के दौरान मां की मौत हो गई, लेकिन बेटी अपना फर्ज निभाने की बजाय मां की लाश को अस्पताल में ही छोड़कर अपने घर पंजाब चली गई। आज सुबह इलाज के दौरान रुक्मणी कौर ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद जब कोई परिजन नहीं आया तो अस्पताल का रिकॉर्ड खंगाला गया। फाइल में बेटी पूनम कौर का नंबर मिला, जिसे उसकी मां का अंतिम संस्कार करवाने के लिए परिजनों के साथ जबलपुर बुलवाया गया। बेटी ने कह दिया कि पंजाब तक शव ले जाने में 50,000 का खर्चा था, इसीलिए वह अपनी मां की लाश को छोड़कर अकेले ही पंजाब चली आई। बेटी पूनम ने अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए जबलपुर आने से भी साफ इनकार कर दिया। ये महिला का नाम रुक्मणी कौर है, जो कि 60 वर्ष उम्र है इनकी। ये जिला अस्पताल विक्टोरिया से आज सुबह कैजुअल्टी से सूचना मिली कि कोई महिला जो कि रुक्मणी कौर नाम है, गैंग्रेन वार्ड में ख़त्म हो गई है। जाके वहाँ देखा तो महिला गैंग्रेन से पीड़ित रही और शरीर में गैंग्रेन था। उनकी फाइल में चेक किया तो एक नंबर मिला जो कि हरियाणा का था। हमने उस नंबर पर तहकीकात की तो पता चला कि उनकी बेटी ने फ़ोन उठाया और बोला कि माता नाम हमारी हैं और हम लोग करीब 2-3 दिन 4 दिन विक्टोरिया में थे, अभी ही हम लोग आए हैं और हम वापस दोबारा अंतिम संस्कार के लिए नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने एक रिश्तेदार को किसी को सूचना दी, जो रिश्तेदार आए भी, जो महिला रिश्तेदार आई उन्होंने ये कहा कि भाई हम महिला के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाएंगे ना करा पाएंगे, तो मुझे नौकरी सर्विस पर जाना है। ये अंतिम संस्कार इनायत भाई जैसे आप रोज़ कराते हैं लोगों के अंतिम संस्कार वगैरह, ऐसे ही आप इस महिला का भी अंतिम संस्कार करा दीजिए। फिर मैंने उनकी बेटी से इजाज़त ली वहाँ पे, उन्होंने भी मना कर दिया आने को। तो रानीताल मुक्ति धाम में हमेशा की तरह गरीब नवाज कमेटी द्वारा इस महिला का भी अंतिम संस्कार रीति रिवाज से कराया गया। गरीब